and welcome to my channel, you guys. Again, I'm gonna get a nice haircut for myself and probably going to change my hair color because it is too dark. Look. Okay, now I'm going to show you something that I bought from Nykaa Hot Pink Cell. Let's open the box and see what's inside. टाइटल देखकर आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज मैं अपने बालों को करने जा रही हूँ कलर, वो भी घर पे ही। तो देखते हैं कि मैंने कौन सा शेड मंगाया है। वन मोर थिंग गाइज, आई बॉट दिस फॉर ओनली ₹619। इसका एक्चुअल प्राइस है ₹650, जो कि बहुत अच्छी डील थी। और नायका की पैकेजिंग तो हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है। और ये है लोरियल की कस्टम क्रीम ग्लॉस, शेड है 634 कैरमल ब्राउन। मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं तो मैंने अल्ट्रा विजिबल शेड मंगवा लिया। चलो खोल के देखते हैं क्या क्या मिला मुझे इसके अंदर। बॉक्स के अंदर मिलता है एक ट्यूब कलर का, एक कंटेनर डेवलपर का और पोस्ट कलर मास्क। चलो आप लोगों को इन सब का एक क्लोजअप शॉट दे देती हूँ। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। अभी ये मैं ग्लोव्स खोल रही हूँ जो आया है बॉक्स के अंदर। सब कुछ रेडी है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कपड़ा चेंज करना। मैंने एक पुरानी सी टी शर्ट डाल ली है क्योंकि मैं अपनी टॉप ख़राब नहीं करना चाहती। और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ क्रीम और डेवलपर को एक साथ। Just nicely shake it. सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर रही हूँ। इसका फायदा ये है कि आप जब कलर अप्लाई करते हो तो बाल अटकते नहीं। आप भी कभी घर पे अपने बालों पे कलर कर रहे हो तो ये टिप अप्लाई जरूर करना, मत भूलना। अभी मैं कंटेनर का टिप काट रही हूँ और फिर बालों को सेक्शंस में लूँगी। ऐसा करने से कलर इवनली अप्लाई होता है। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कलर अपने लेंथ पे लगाऊंगी क्योंकि लेंथ पे कलर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे करके लेंथ पे कलर लगाना है। उसके बाद कंप्लीट होके उसका अलग से प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगी। और मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कलर एप्लीकेशन में, तो मेरी सिस्टर लकीली वहाँ पर थी। शी टुक ओवर फ्रॉम हियर और उसने मेरे सारे बालों पे कलर लगाने के लिए हेल्प किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तो इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस लेकर हम लोगों ने ये कलर एप्लीकेशन किया। इसके बाद दूसरी तरफ भी कंप्लीट किया। पूरा कलर एप्लीकेशन होने के बाद मैंने अपने बालों को कोम किया। ऐसा करने से कलर इवनली स्प्रेड होता है और पैचेस नहीं बनती है, रिजल्ट फ्लॉलेस होता है। लेंथ पे कलर अप्लाई करने के बाद एक बन बनाकर शावर कैप की मदद से सर को ढक लेंगे ताकि मॉइस्चर कम ना हो और कलर अच्छे से डेवलप हो। अभी टाइमर 40 मिनट्स पर सेट करेंगे और वेट करेंगे। ये हमारा 40 मिनट ख़त्म हो गया है। अभी बारी है रूट पे कलर लगाने की, तो चलो ये भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। बचा हुआ जो कलर है अभी हम सारा रूट पे लगाएंगे और पूरा एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद फिर से टाइमर को सेट करेंगे 15 मिनट पे। और 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद गुनगुने पानी से हेयर वॉश करेंगे और जो हेयर मास्क आया था उसको बालों के लेंथ पे अप्लाई करेंगे और 2 से 3 मिनट रखेंगे, जैसे कंडीशनर को रखते हैं। कंडीशनर को धोने के बाद मेरी सिस्टर ने मेरे बाल काटे एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये नया लुक पसंद आएगा। सो आर यू रेडी फॉर द बिग रिवील गाइस? लेट्स सी हाउ डिड इट वर्क ऑन माय हेयर। सो दिस इज द कलर। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट बिकॉज माय हेयर वाज जेट ब्लैक, वाजंट इट? ओह नाइस, आई लव इट, आई लव इट। टेल मी तुम लोगों को कैसा लगा मेरा नया लुक? कैसा लगा? ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है या नहीं ये भी ज़रूर कमेंट करना। ये अंदर की लाइटनिंग कंडीशन में थी। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर कैसा लग रहा है मेरा हेयर कलर, तो देख लो और ज़रूर 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 कमेंट करना। बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो पसंद आए।
और शेयर जरूर करना, कमेंट तो जरूर करना, और मेरी सिस्टर को भी बिग थैंक यू, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं ये लुक अचीव नहीं कर सकती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रेटी सून, जो कि होने वाला है बहुत बहुत स्पेशल। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने देखा, कमेंट किया। Thank you so much to each one of you. Bye-bye. See you in the next video soon.